फाइनली हो गई है गुम में न्यू एंट्री। बाजीराव ने आते ही दे दिया है सभी को फूल। ईशान को हुई है जलन। क्या होगी अब सीरियल की कहानी? बल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के फैंस के लिए गुड न्यूज है। जहां सभी ईशान बार बार नजदीक आके दूर हो जाते थे, वहीं पर अब सभी के लिए एक नए हीरो की एंट्री हो गई है, जो है वही बाजीराव। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से बाजीराव को एक अलग ही लुक नजर आया है। जहां वो सबको ट्रेनिंग दे रहा है, सभी भी उसे देखकर हैरान है। अब बाजीराव उसे मिलता है, जहां सभी उसका वॉलेट उठाकर उसे देती है। वहीं पर इन दोनों के बीच में छोटी सी नोकझोंक चल रही है, जहां पर पहली बार में ही बाजीराव और सभी एक दूसरे से इम्प्रेस हो चुके हैं। वहीं सभी अब पुलिस स्टेशन जाएगी, जहां उसकी मुलाकात बाजीराव से होगी और वो बताएगी कि कैसे एक सुनसान रास्ता है जहां लड़कियों को तंग किया जाता है। वहीं पर बाजीराव जो है वो सभी की तारीफ करता है और कहता है, तुम लड़की बहुत अच्छी हो, निडर हो, लो तुम्हारे लिए फूल। वहीं सभी उस फूल को रख लेती है। अब ईशान आता है। ईशान सभी को वहाँ देखकर बौखला जाता है। फिर ईशान सभी पर घटिया इल्जाम लगाने लगता है, क्योंकि वो बाजीराव सभी को फिर से फूल देता है और सभी वहाँ से चली जाती है। तो ईशान बाहर जाकर सभी को खूब सुनाता है कि तुम लड़कों को रिझाती हो। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा और क्या क्या ईशान जलन के मारे करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।